आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लुका के सुसमाचार के 16 अध्याय और उसके 17 से 31 वचन में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे। उस समय कई फरीसी भी प्रभु की शिक्षाओं को सुन रहे थे। लुका के सुसमाचार के 16 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे अर्थात प्रभु यीशु को ठट्टों में उड़ाने लगे। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि फरीसी लोग परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान देने के बजाय बाहरी या दिखावटी धार्मिकता को प्राथमिकता देते थे। अब्राहम का वंश होना उनके लिए घमंड की बात थी। वे समझते थे कि धन दौलत एवं संपन्नता धर्मी होने के कारण परमेश्वर की ओर से उन्हें मिले हैं। वे गरीबी को श्राप मानते थे और समझते थे कि गरीबी पापों का परिणाम है। फरीसी लोग गरीबों को यह बोलकर कि उनकी यह दशा पाप के कारण हुई है, उनकी मदद करने से मुकरते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम से परिचित कराया। प्रभु की यही कोशिश रहती थी कि लोग परमेश्वर के अनुग्रह, दया एवं क्षमा को पहचान सके। प्रभु का सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना फरीसियों को खलता था। उन्हें प्रभु का ऐसे लोगों से मेलजोल करना जो तुच्छ समझे जाते थे पसंद नहीं था। इसलिए वह प्रभु यीशु पर क्रोधित होते थे व बड़बड़ाते थे। प्रभु ने फरीसियों के ऐसे व्यवहार का खुलासा करने के लिए व इस व्यवहार का परिणाम प्रकट करने के लिए उन्हें धनवान व्यक्ति व लाजर का दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति जो घावों से भरा हुआ था उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। प्रियो, यहाँ धनवान व्यक्ति प्रतिदिन महंगे या कीमती वस्त्रों को पहनता था तथा तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन खाया करता था। वह इब्राहिम का वंशज था और मूसा और व्यवस्था की किताबें भी उसके घर पर थी, लेकिन उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। उसका प्रतिदिन का जीवन भोग विलास तथा संसार में आनंद करने में ही व्यतीत होता था। वहीं दूसरी तरफ लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो कंगाल था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने घावों पर मरहम पट्टी करा सके। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि वह उस धनवान मनुष्य के मेज की जूठन से अपना पेट भरता था और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। यह लाजर बहुत ही दयनीय अवस्था में था। भूख, दर्द एवं पीड़ा उसके साथी थे। वह दूसरों की दया पर आश्रित था। यहाँ पर हम इन दोनों व्यक्तियों की दशा की कल्पना करें, जहाँ एक और ऐसा मनुष्य है जिसे किसी वस्तु की घटी नहीं, सुख विलासिता की सारी चीजें उसके पास है, उसका जीवन आनंद व सुख से भरा हुआ है। वहीं एक और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक वक्त का भोजन खाने के पैसे नहीं है, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ है, उसका जीवन दुख व पीड़ाओं से भरा हुआ है। लेकिन आगे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह धनवान व्यक्ति और लाजर दोनों मर गए। लेकिन जब लाजर मरा तो स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और जब धनवान मरा और गाड़ा गया तो उसकी आंखें अधोलोक में खुली, जहां पर पीड़ा में होकर उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। प्रियो, यहां पर ध्यान दें कि जब लाजर मरा होगा तो उसके शवों को दफनाया नहीं गया होगा, क्योंकि हम देखते हैं वचन में लिखा है कि जब धनवान मरा तो उसे गाड़ा गया। तो जैसा हम किसी की मृत्यु के बाद देखते हैं कि उसकी अंतिम यात्रा बहुत अच्छे से निकाली जाती है, सैकड़ों लोग उन्हें मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। लगता है कि इस धनवान मनुष्य के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उसे शानो शौकत के साथ दफनाया गया होगा, लेकिन
उस कंगाल लाजर का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। शायद उसके मरने के बाद उसकी पार्थिव देह को कूड़े में फेंक दिया गया होगा, लेकिन जो मृत्यु के बाद हुआ वह बिल्कुल विपरीत था। हम देखते हैं कि लाजर अब्राहम की गोद में था और वह धनवान अधोलोक में पीड़ा सह रहा था। तब आगे हम देखते हैं कि जब उस धनवान व्यक्ति ने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा तो उसने उसे पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में सभी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु लाजर अब यहाँ पर शांति पा रहा है और तू वहाँ तड़प रहा है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि धनवान व्यक्ति जो अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले चुका था, मृत्यु के बाद वह अधोलोक की अनंत आग में तड़प रहा था। लेकिन वह कंगाल लाजर, जिसने अपने जीवन में दुख व पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देखा था, वह अब्राहम की गोद में अनंत शांति के साथ बैठा हुआ था। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम उससे कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, यदि कोई यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे तो वो ना जा सके, और यदि कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आना चाहे तो वो भी ना आ सके। तब वो धनवान व्यक्ति अब्राहम से कहता है कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के झगे में आए। तब अब्राहम ने उसे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तब धनवान ने कहा, हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाएगा तो वे मन फिराएंगे। तब अब्राहम ने धनवान से कहा कि जब वह मूसा और भविष्यताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो अभी वे उसकी नहीं मानेंगे। प्रियो, यह दृष्टांत बहुत से भेद को हम पर प्रकट करता है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। इस दृष्टांत में धनवान व्यक्ति शास्त्रियों और फरीसियों का उदाहरण है, जिन्हें अब्राहम का वंशज होने और धार्मिक होने का बहुत घमंड था। समझते थे कि स्वर्ग उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनके हृदय में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। वे बाहरी तथा दिखावटी चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। वे किसी गरीब और पतित व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे। उसी तरह प्रियो, आज के समय में भी लोग सिर्फ भोग विलास की ही चाहत रखते हैं। अच्छे अच्छे ट्रेंड में चलने वाले कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छा खाना खाना, आलीशान एयर कंडीशनर वाले घर में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना, आज हर किसी की यह ख्वाहिश है। आज के समय में भी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वह किसी की पीड़ाओं को नहीं समझते और न किसी के बारे में कुछ सोचते हैं। किसी की हेल्प करना तो दूर की बात है। प्रियो, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि गरीब लाजर प्रतिदिन उस धनवान की डेवड़ी पर बैठा रहता था, लेकिन उस धनवान मनुष्य ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। वह प्रतिदिन उसको दिखता था और वह जानता था कि लाजर को इलाज की आवश्यकता है। वह जानता था कि लाजर अपंग है, काम नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उस धनवान ने, जिसके पास अपार धन था, उस लाजर की किसी भी प्रकार से मदद नहीं की। वह चाहता तो लाजर की जो आवश्यकता में था उसकी मदद कर सकता था। वह उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र तथा उसके घाव पर मरहम पट्टी लगाने के लिए उपचार की व्यवस्था आसानी से कर सकता था। परंतु प्रतिदिन उस धनवान ने लाजर को उसकी पीड़ा में पड़े देखकर भी उसे अनदेखा किया। प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है, परंतु उन आशीषों को दूसरों के साथ बांटने के बजाय लोगों ने उन्हें स्वयं तक ही सीमित रखा है। संपूर्ण धन दौलत का उपयोग वह स्वयं के भोग विलास के लिए उपयोग करते हैं। लाजर जैसे आवश्यकता में पड़े लोगों की तरफ वह देखना भी नहीं चाहते हैं। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन, कपड़े व इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके साथ ही प्रियो,
इस धनवान के पास परमेश्वर का वचन भी था, लेकिन उसने उस जीवित वचन की भी अवहेलना की। वैसे ही आज कई हैं जिनके पास वचन तो है, लेकिन वह वचन को नहीं मानते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वह चर्च तो जाते हैं, लेकिन चर्च जाते समय अगर कोई गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति उनके पास कुछ अपेक्षा से आता है तो वह लोग उसे डांट कर भगा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के धार्मिक लोग हैं। चर्च जा रहे हैं वचन सुनने, लेकिन जब वचन पर चलने का समय आया तो पीछे हट जाते हैं। प्रियो, आज भी कई ऐसे मसीही लोग हैं जो धार्मिकता का मुखौटा पहने हुए हैं। वे बस अपने बारे में सोचते हैं, ज़रूरत में पड़े लोगों की उनको कुछ चिंता नहीं होती है। ध्यान रहे प्रियो, ऐसे मसीहों का हाल उस धनवान व्यक्ति के समान ही होगा। वह ऐसी जगह जाएंगे जहां उन्हें पानी का एक बूंद नसीब नहीं होगा। इसके साथ ही प्रियो, हम उस गरीब लाजर को देखते हैं जो हमेशा दूसरों के रहम पर जिंदा था। उसने अपना पूरा जीवन दुख और कष्ट में बिता दिया, लेकिन उस पीड़ा के समय में, उस तकलीफ में भी परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। वह इस दुनिया में झूठा भोजन खाता था, लेकिन उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे हमेशा के जीवन देने वाला भोजन से तृप्त कर देगा। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे एक दिन धार्मिकता के सुंदर वस्त्र पहनाएगा। उसका शरीर हमेशा घाव से भरा रहता था, यहाँ तक कि कुत्ते उसका घाव चाटते थे, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे घाव को पूरी तरह से चंगा कर देगा। फिर कभी मुझे इस पीड़ा और इस दर्द को महसूस नहीं करना पड़ेगा। और वैसा उसके साथ हुआ भी। उसका विश्वास उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाता है, जहां वह आनंद के साथ रह रहा था। प्रियो, धनवान व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन मृत्यु के बाद वह अनंत पीड़ा में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपना मन परमेश्वर के वचन पर नहीं लगाया और ना ही परमेश्वर के वचनों को माना। एक और बात प्रियो, जो इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब वह धनवान अधोलोक में पहुंचाया गया तो वह अब्राहम से विनती करके कहता है कि हे पिता, लाजर को भेज ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। प्रियो, यहाँ एक रहस्य की बात है जो प्रभु के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है कि मृत्यु के बाद जब न्याय होगा और जो अधोलोक में डाले जाएंगे उन्हें वहाँ पीड़ा का एहसास होगा। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दर्द तो सिर्फ शरीर में होता है और मृत्यु के बाद तो शरीर नष्ट हो जाता है, सिर्फ आत्मा ही रहती है, तो फिर आत्मा को कोई कैसे कष्ट पहुंचा सकता है। लेकिन प्रियो, प्रभु का एक वचन याद करें जहां प्रभु ने कहा था कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नर्क में नष्ट कर सकता है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह ना सिर्फ हमारे शरीर को वरन हमारी आत्मा को नष्ट करने का अधिकार रखता है, यदि हम उसके अनुसार अपना जीवन ना बिताए तो। प्रियो, हमारा शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो फिर हम क्यों इस नश्वर शरीर को सुख देने के लिए इतना प्रयास करते हैं। हम अपने शरीर को किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहते, हम सुख विलास व आनंद के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, ध्यान रखें, शरीर के लिए किया गया आपका सारा परिश्रम एक दिन व्यर्थ ही ठहरेगा। हमें हमारी आत्मा को बचाने के लिए परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, हमारे मरने के बाद जो सबसे भयंकर बात होगी वह यह होगी कि हम प्रभु की दया को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक ही हमारे पास यह अवसर है कि हम प्रभु के अनुग्रह और उसकी दया को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस दृष्टांत में अब्राहम धनवान से कहते हैं जो अधोलोक में था कि तुम्हारे और हमारे बीच एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया है। इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद हम कितना भी चिल्ला लें, विनती कर लें, दया की भीख मांग लें, लेकिन अधोलोक में कोई हम तक पानी का एक बूंद तक पहुँचने नहीं आएगा, और यही सच्चाई है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है।
और वह स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो प्रभु नहीं कर सकता और वह है नरक में किसी को बचाना। हाँ प्रियो, जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हो तब तक ही आपके बचाए जाने की संभावना है और आपकी प्रार्थनाएं सुनी भी जा सकती है, लेकिन मरने के बाद हमारे बचने या प्रार्थना की सुने जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रियो, आपका निर्णय ही आपको अनंत आग से बचा सकता है। प्रियो, अंत में एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब वह धनवान अधोलोक में तड़प रहा था तो वहां से उसे अपने भाइयों का स्मरण आया और वह अपने भाइयों के लिए चिंता करने लगा कि कहीं वह लोग भी मरने के बाद उस धनवान भाई के पास ना आ जाए जो एक पीड़ा का स्थान था। इसलिए वह चाहता था कि कोई उन्हें मरे हुओं में से जाकर उन्हें इस बात के विषय में समझाए ताकि वह भी अपने मन फिराए। लेकिन अब्राहम उसे कहते हैं कि मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें तो उनके पास हैं, वे उसकी सुने। लेकिन वह धनवान विनती करता है कि नहीं, हे प्रभु, अगर कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह जरूर मन फिरा लेंगे। लेकिन अब्राहम उसे कहते हैं कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे उसकी भी नहीं सुनेंगे। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कही थी, जो पूरी तरह से सच भी हुई, क्योंकि सदूकियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु के जी उठने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं किया। आज भी कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका अंत क्या होगा यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो चिंता धनवान को उसके जीते जी करना चाहिए था वह मरने के बाद करता है, यह प्रभु की ओर से एक चेतावनी है। यदि आप अपने बच्चे, अपने भाई बहनों और अपने परिवार को उस अनंत आग और पीड़ा से बचाना चाहते हैं तो आपको जीते जी उनके उद्धार के लिए चिंता करना चाहिए। आपको जीवित रहते हुए उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए और जो पवित्र वचन हमें दिया गया है उस पर मनन करना चाहिए। यही वचन हमारा जीवन है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने आपको दिया है उसका उपयोग खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा करें। एक सही निर्णय के साथ एक सही दिशा में आगे बढ़ें। और ध्यान रखें प्रियो, मृत्यु के बाद पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक सांस है तब तक ही आस है। आशा करती हूँ प्रियो, धनवान और गरीब लाजर का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।